सिंगू बॉर्डर पे लगभग 25 किलोमीटर लंबा धरना, टिगरी बॉर्डर पे लगभग 19 किलोमीटर लंबा धरना, इतने एक किलोमीटर लंबा धरना भी आप सोच सकते हो। पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक 2 महीने तक संयम से शांति से किसान ने अपनी बात सरकार के सामने रखी। हजारों लाखों की तादाद पे बॉर्डर्स पे संयम से शांति से अनुशासन से, मैंने कहा आंदोलन सफल होने का जो कारण था गैर राजनीतिक और अनुशासन और संयम। ये बात मैं बिल्कुल एक और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका में नहीं या कोई राजनीतिक भूमिका में नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में मैं एक एडवोकेट के नाते आप लोगों के बीच में हूँ। सरकार कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जिससे टकराव बढ़े या गतिरोध बढ़े, सरकार गतिरोध समाप्त करे, बातचीत के दरवाजे खोले सरकार, और किसानों की बातों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त किया जाए। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं स्थिति गंभीर था सरकार समझे। हरियाणा सरकार ने किवें देखदे हो कोई जिस तरह दे नाल पहला टोलां दी गल होवे, कल टोल शुरू कहंदे सी कि कर देते के फिर दोबारे हो कितने कितने इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका एक रही है किसान विरोधी भूमिका, तो हरियाणा सरकार की रही शुरू से। पंजाब से किसान शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था, हरियाणा में कहीं धरने देने का भी कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर हरियाणा सरकार ने इस तरह सड़कों पर गड्ढे खोदे, आंसू गैस के गोले छोड़े, बौछार छोड़ी, अपना वाटर कैनन और अपना हर तरीके से लाठीचार्ज किया किसानों पर वहाँ से लेकर, और जब मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती कार्यक्रम करने की कोशिश करी पीछे तीनों कानूनों को के फायदे बताने के लिए, जबकि बातचीत उस समय चल रही थी, वहाँ से लेकर अब इंटरनेट बंद कर दिया सारे 14 जिलों में हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद, डेटा बंद कर दिया जिसकी, तो ये कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार का जो पूरा एक रवैया रहा है वो बड़ा इसमें निराशाजनक रहा है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पे तो सुनवाई किसान की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई है, बड़ा दुर्भाग्य है। इसके इसके दोनों का ले लूँगा, दोनों का इनका लेके फिर आपका मैं देखो दो क्वेश्चन आए हैं जेजेपी, एक तो ये जेजेपी का भी आपका आंसर कर देता हूँ साथ में कि हमने मांग करी है हरियाणा गवर्नर से माननीय राज्यपाल से कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमें इजाज़त मिले। किसान के मुद्दे पे हरियाणा की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में लाने की हमें इजाज़त मिले हमने, मगर दुर्भाग्य है कि हरियाणा के माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब ने अभी हमारी इस मांग पर कोई गौर नहीं किया है ना कोई जवाब दिया है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनके क्या कारण हैं वो जवाब तो वो दें, मगर कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर हमें बड़ा हमारी निराशा है। और जब अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में आएगा तब दूध का दूध पानी का होगा कि कौन सा दल और कौन सा विधायक किसानों के साथ है और केवल कौन किसानों के साथ होने का ढोंग करता है, मगर सरकार के साथ जो है अपनी कुर्सी के साथ कौन चिपका हुआ है, ये बात उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब एक एक इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपका भी ले लूँगा। हाँ इसका ये जो मैं मानता हूँ कि कहीं भी अगर प्रताड़ित करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 26 जनवरी को जो कहीं भी जो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुए, कहीं वायलेंस हुई, लाल किले की इंसिडेंट हुआ जहाँ पुलिस पे जो अपना वो उसकी हम निंदा करते हैं, वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो लोग भी सही दोषी असली दोषी हैं, मगर निर्दोष किसान, भोले वाले निर्दोष किसान जो शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन में कई महीनों से डटे हुए थे घर बार छोड़कर, जिन्होंने शांति और अनुशासन का रास्ता नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को अगर निशाने पर सरकार लेती है झूठे मुकदमे बनाकर, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जो है मैं बार के मैं तो सदस्य ही हूँ, मैं कोई बार का अध्यक्ष नहीं हूँ, मगर मैं बार के अपने सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों के लिए सामने आए बार और निशुल्क ऐसे लोगों को जो है लीगल सहायता करें, और मुझे उम्मीद है मैं बातचीत करके इसमें हम कोई ना कोई आपको कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी करवाएंगे। ठीक है।
हुडा जी जिहड़ी इत्थे एफ आई आर दर्ज 182, 120 ते 107 आई पी सी दे अंडर होईआं आ कि इह वाली सैक्शनज उहनां उत्ते लगने जायज़ सीगे जिहड़ी 26 जनवरी दी उत्थे जो भी घटना हुई है उहदे उत्ते? देखिए अलग अलग इंसीडेंट्स हैं जी, हर इंसीडेंट का इसमें हमारी मांग ये है कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच होनी जरूरी है, क्योंकि हर तरह की बातें आई हैं, तो इसमें उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच यानी कि कहीं ना कहीं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर की जांच हो, कम से कम एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर की जांच हो, उसमें जो भी दोषी आए जिस भी धारा में, मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही इंसिडेंट्स कही हैं, जिस भी धारा में जो सही में जो दोषी है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो, क्योंकि कोई भी उपद्रवी जो है, कई जो है ऐसे एलिमेंट भी आंदोलन में घुसे जो आंदोलन को जो है जिन्होंने उपद्रव करके बहुत बड़ा नुकसान कराया, तो ऐसे लोगों पे पूरी कार्रवाई जितने भी ऐसे कोई एलिमेंट हैं, मगर निर्दोष किसान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके निर्दोष किसान पे झूठे मुकदमे बनके उनको निशाने पे नहीं लिया जाना चाहिए। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूरे 26 जनवरी के जो इंसिडेंट है उसकी हाई लेवल की निष्पक्ष जाँच हो ताकि विश्वास बने, दोषी पर कार्रवाई हो, निर्दोष पे कोई कार्रवाई ना हो, निर्दोष को बचाया जाए, यही जस्टिस के एंड्स मीट करेंगे। एफआईआर हजे तक ओना दे अगेंस्ट होईयां ने जिहड़े आगू उत्थे मौजूद सीगे भी नहीं, तो ये तो अगर इस तरह का कोई भी, मैंने कहा जैसे बहुत से उस दिन, इसीलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है और हाई लेवल की निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है, तभी विश्वास उसमें बनेगा। जो भी दोषी है, जेड़ा भी दोषी, कोई भी, चाहे वो कोई बाहर से आदमी आया है या कोई कहीं आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जरा कोई भी दोषी है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कोई अगर दोषी नहीं है, निर्दोष है, उसको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर उसको परेशान किया जाएगा या निशाना बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे देशवासी हैं और जो किसान हैं, आपने देखा जो अपना गाजीपुर बॉर्डर पर क्या पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिएक्शन हुआ, वो इसीलिए रिएक्शन हुआ कि लोगों को लगा कि भाई न्याय नहीं हो रहा है। ये सके हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि पार्लीमेंट राज्यसभा के मेंबर भी है, तो इन्हों का कहना एको ही सगा कि जिड़ी भी 26 जनवरी की घटना वापरी है वो उत्ते जो भी है जांच निष्पक्ष होनी चाहिए है, तो जिड़े लोग दोषी ने उन्होंने अगेंस्ट एफ आई आर होनी चाहिए है, तो जिड़े होर आगुओं के खिलाफ एफ आई आर हुई है जेकर वह निर्दोष ने तो उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। कैमरामैन सुनील के नाल अनुजा शर्मा, देश प्रदेश टीवी, चंडीगढ़।